तू ही मोरे मायर, तू ही माता हो, तू ही भाग विधाता नु हो, ए मैया दे देहूँ हम के असीस हंसत घरे जाई भी हो। सिंदूरा से मंगिया भरल रहे, गोदी में बलकवा खेले हो, ए मैया खुशी रहे सब परिवार, भले ही ताना मारे ले हो। हाथ जोड़ी पैया पड़ी मंगताई, माता से अरज करे हो, ए मैया दे दाना हम के आशीष हंसत घरे जाई भी हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय छठ मैया जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हल षष्ठी छठ, ललही छठ और हल छठ से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, पूजा सामग्री क्या चाहिए। आप लोगों ने वीडियो मांगा था कि दीदी जरूर बना के दीजिएगा, और इसका क्या नियम विधि है, व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत के नियम क्या हैं, व्रत से पहले का नियम क्या है, व्रत के दिन का क्या नियम है, कौन कौन सी चीज़ें हमें गलतियां नहीं करनी है और कौन कौन सी चीज़ें पूजा में एकदम अनिवार्य है हमें शामिल करनी है, तो इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि हल षष्ठी छठ, ललही छठ, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि को ये छठ पूजा हम करते हैं, ठीक है, और इसके क्या नियम विधि है, और ये 17 अगस्त को पड़ा है और ये 24 घंटे का कई लोग इसको निर्जला व्रत रखते हैं इसमें, और कई लोग हैं कि शाम को पूजा पाठ करने के बाद, अर्घ देने के बाद वो खा लेते हैं, ठीक है, भोजन कर लेते हैं। तो चलिए सबसे आगे जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें अनिवार्य हैं, सामग्री के बारे में जान लेते हैं। तो ये छठ जो है ना, ऐसा माना जाता है कि कृष्ण भगवान के जो भाई हैं बलराम जी, उनका उस दिन जन्म दिवस भी है, उनका जन्म हुआ था हल षष्ठी छठ के दिन, तो इसीलिए कई लोग हल की भी पूजा करते हैं। और सावधानी क्या रखनी है कि हल से जोती हुई, मतलब कोई भी अनाज फल वगैरह जिसमें कि हल का उपयोग किया गया है, खेतों में उपजाया गया है, वो सब चीज़ें हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। और आपको क्या करनी है, जो फल हैं, जो अनाज हैं खुद से हुए हैं या पेड़ों पे अपने आप फले हैं, मतलब जिसमें हल का उपयोग नहीं हुआ है, वही सब चीज़ें इसमें खाया जाता है। समझ में आ गया? तो इसमें और एक चीज़ और बता दूँ कि इसमें गाय के दूध, दही, घी या मिठाई, कुछ भी गाय के दूध से बनी हुई चीज़ें वर्जित हैं, इस्तेमाल नहीं किया जाता है, पूजा में शामिल नहीं किया जाता है। भैंस का दूध, दही, घी पूजा में, अगर कोई भी चीज़ आप पुआ पकवान बनाना चाहते हैं, कई लोग महुअर बनाते हैं महुआ से, वो सब चीज़ें अगर बनाना चाहते हैं तो सब कुछ भैंस के घी में ही और दही दूध का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया? चावल कौन सा लिया जाता है, तो जो खेत में उपजा है वो नहीं, तीनी का चावल बोलते हैं, तीना का चावल बोलते हैं, समा का चावल बोलते हैं, फलहारी चावल जो कि तालाब में अपने आप वो उगते हैं, ठीक है, पानी वाले जगह पे, उसमें कोई हल इस्तेमाल नहीं होता है। फल महुआ इसमें बहुत अधिक अनिवार्य है, माता को चढ़ता है, छठ माता को, ललही छठ माता को हम चढ़ाते हैं। और ऐसे आप लोगों को मालूम ही है कि एक कार्तिक मास में हम छठ पूजा करते हैं, एक चैती छठ जिसको बोलते हैं चैत्र मास में करते हैं, और ये जो छठ है ये भाद्रपद मास में किया जाता है, कृष्ण पक्ष तिथि के षष्ठी तिथि में, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन उन दोनों छठ से इसके नियम विधि एकदम अलग हैं, उन छठ का, वो दोनों छठ के नियम विधि एक समान है, लेकिन ये ललही छठ के जो नियम विधि है बिल्कुल अलग है। और ये पुत्र के दीर्घ आयु के लिए किया जाता है, मतलब पुत्र के लिए ही ये व्रत रखा जाता है। कई ऐसी महिलाएं हैं कि मन्नत करती हैं और उसके बाद ये छठ पूजा उठा लेती हैं और करती हैं। और इसमें सामग्री में आपको बता दूं कि भैंस का दूध, दही, घी जो ही इस्तेमाल करना है, और चावल बता ही दें, और फल में हमें महुआ का लिया जाता है। और आपके यहाँ क्या नियम है, कौन से फल और लिया जाता है, वो आप ले लीजिएगा, लेकिन ये तीन चीज़ें एकदम कंपल्सरी,
अनिवार्य है। साथ में हम कूस और पारस के पौधे, मतलब कूस को भी ढूंढ के लाया जाता है और पारस जिससे पत्तल बनते हैं, आप लोग को मालूम भी होगा, कई ऐसे अभी नया जमाने के लोग नहीं जानते होंगे पारस किसको बोलते हैं, तो वही लाकर गमले में उसको गाड़कर और पोखरा बनाते हैं, मतलब तालाब जैसा आंगन में ही ये पूजा किया जाता है। छत पे भी आप कर सकते हैं, घर के सामने भी कर सकते हैं और मिट्टी से क्यारी बना दीजिएगा, बीच में ब्रिज जैसा बनाते हैं, मतलब पानी जो है आर पार होते रहे उसको, मतलब पूरी तरीके से बंद नहीं करना, ऊपर से ब्रिज जैसा मिट्टी से बना दिया जाता है। थोड़ा सा मिट्टी को हार्ड रखिएगा, गीला मत कीजिएगा, नहीं तो बीच में आ जाएगा, समझ में आ गया, और पानी जो है आर पार होते रहेगा। और क्या चाहिए साथ में, पान सुपारी और पैसा, दोनों जो दो मतलब दो साइड में हो गया है ना पानी, दोनों में डाल देनी है। अगर एक बेटा है तो एक ही पड़ेगा, एक पान सुपारी और पैसा। दो बेटा है आपके पास, दो बच्चों के लिए कर रही हैं, तो आप दो पान सुपारी और पैसा दोनों तालाब में दोनों तरफ डाल दीजिएगा, बीच से बंद मत कीजिएगा, बार बार याद दिला दे रहे हो, पानी आर पार बहना चाहिए, समझ में आ गया। अगली चीज़ क्या है कि कूस परास को वहीं गाड़ के हमें रख देनी है। और अगर आपके यहाँ शादी हुआ है, नए बच्चे का जन्म हुआ है, संतान की प्राप्ति हुई है, तो एक साड़ी जो है ना छठ माता को हम उसी कूस और परास को ओढ़ा देते हैं और ओढ़ा कर पूजा करते हैं। अगर नहीं बच्चा हुआ है तो कोई बात नहीं, आप जो है ऐसे लाल पीला छोटा सा कपड़ा भी ओढ़ा कर छठ माता को आप पूजा अर्चना कर सकती हैं, समझ में आ गया। और ये छठ जो है इसका एक नियम विधि थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक दिन पहले से ही आपको सात्विक भोजन करनी चाहिए, बाल धो के और अच्छे से स्नान कर लीजिए। ये 17 अगस्त को पड़ा है, दिन है बुधवार, ठीक है, तो आप एक दिन पहले ही अच्छे से, जब तक कि हम बाल नहीं धो लेते हम अच्छे से शुद्ध नहीं कहलाते हैं, तो अपने शुद्धता को ध्यान में रखते हुए बाल वगैरह धोकर और उस दिन से आपको लहसुन प्याज मसूर के दाल मूली बैंगन ये सब चीज़ें खाकर छठ व्रत नहीं रखनी है, समझ में आ गया। अगली चीज़ क्या है कि आपको पूजा विधि, चलिए अब आगे जान लेते हैं। तो अगले दिन ना हम जो है सूर्योदय से पूर्व तो सबको उठनी है, और व्रत के दिन महुआ का ही दतुवन किया जाता है, दातुन जिसको दातुन दतुवन जो ही कह लीजिए। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप अमरूद का भी ले सकते हैं, लेकिन आम और नीम नहीं लिया जाता, ऐसा माना जाता है कि मतलब पुत्र का स्वरूप उनको मानते हैं, तो उस दिन क्षति नहीं पहुँचाया जाता है, कई ऐसे लोगों का मान्यता है, लेकिन आपको जो ही मिले आप देख लीजिएगा, समझ में आ गया। और पूरे दिन हम निर्जला उपवास रखते हैं, और इसमें जो है कई लोग चंद्रदेव को अर्घ देते हैं और 24 घंटे का निर्जला उपवास रखते हैं, वो शाम को व्रत नहीं खोलते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं कि अच्छे से वहाँ पूजा पाठ कर लेते हैं, छठ मैया को मतलब अच्छे से पूज लेते हैं, सोहर गाते हैं, कथा सुनते हैं और उसके बाद जो है अपना व्रत वहीं पर खोलते हैं, ठीक है। और इसके लिए सोहर मैं अपने वीडियो पे डाल चुकी हूँ, बहुत ही दिल को छू लेने वाला सोहर गीत है, आप एक बार सुनिएगा तो आपको बार बार दिल करेगा सुनने का, तो चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि पूजा जब आप कीजिएगा तो इसमें महुए के पत्ते से ना कटोरी बनाते हैं, खरदोना भी जिसको बोलते हैं, और वो बनाकर अगर एक बेटा है तो उसको 3 खरदोना बनाते हैं, 2 बेटा है तो 6 बनाते हैं, 3 की संख्या बनाते हैं, लेकिन इसमें जितने भी चीज़ लिए जाते हैं ना 6 के संख्या में ही लिया जाता है छठ माता के व्रत में। लेकिन अगर पुत्र को लेकर आप देखते हैं तो एक पुत्र है तो 3 आपको दोना खरदोना अलग अलग नाम से हर राज्य में नाम है, कटोरी के शेप में उसको पीनप मतलब लकड़ी से कुछ से कटोरी टाइप से बना लीजिए। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि चावल चढ़ाते हैं माता को 3 जगह, अगर एक पुत्र है तो 3 खरदोना में दही और महुआ भर के वहाँ छठ माता को हम अर्पित करते हैं। और उसके बाद से अगर 2 बच्चे हैं तो बता ही दी 6 के संख्या में हर चीज़ लीजिएगा, और वहीं पर हम पूजा करने के बाद अर्घ देने के बाद छठ माता को दही और चावल शाम होने से पहले लोग खा लेते हैं, भोजन कर लेते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं ना कि उस दिन निर्जला पूरी तरीके से उपवास रहते हैं, हर घर के थोड़ा सा देखिए नियम अलग है, आपके यहाँ क्या नियम है उसी प्रकार से आप लोग कीजिएगा। तो अगर आप व्रत खोलना चाहें तो शाम को खोल सकती हैं, नहीं खोलना चाहती हैं तो आप शाम को चंद्रदेव को अर्घ भी दे सकती हैं, आपके आप अपने घर का रीति रिवाज देख लीजिएगा। और इसमें नया और कोरा साड़ी ही पहना जाता है। अगली चीज़ क्या है, सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ आपको कि जब हम पूजा पाठ कर लेते हैं तो हम जो है कूस में गांठ लगाते हैं, तो अगर एक बेटा है आपको तो 3 गांठ लगाइएगा, 3 की संख्या में, और कूस को ध्यान रखिएगा कि कूस जो है टूटे ना,
इस बात का पक्का आप लोग ध्यान रखिएगा कि कूस जो है अगर टूटेगा तो सही नहीं है, थोड़ा धीरे से ही बांधिएगा, हल्का हल्का गांठ लगा दीजिएगा, तीन कूस पकड़कर अलग अलग, समझ में आ गया। अगर दो बच्चे हैं तो छः बार मतलब गांठ लगानी है आपको, क्योंकि ये पुत्र के लिए ही ये व्रत माना जाता है। और जिनको पुत्र नहीं है तो वो लोग जैसे माता को मन्नत करते हैं, छठ पूजा अधिकतर महिलाएं पुत्र की प्राप्ति के लिए, दीर्घायु के लिए, किसी भी प्रकार के छठ मतलब कोई भी छठ पूजा हो, चैती हो, कार्तिक वाला हो या वो भादो वाले छठ हो, सभी जो है पुत्र की प्राप्ति के लिए ही महिलाएं अधिकतर रखती हैं, और सुहाग की लंबी उम्र के लिए, संतान को दीर्घायु होने के लिए ही रखा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग पूजा अर्चना कर लीजिएगा, गांठ लगा दीजिएगा और वहीं पर बैठ के कथा सुनते हैं, गाना गाते हैं महिलाएँ एक साथ, कई महिलाएँ मतलब पूजा अर्चना करती हैं साथ में। और अगली चीज़ क्या है कि आप लोग उस दिन सिंदूरा से सिंदूर लगाएगा, और छठ माता को भी सिंदूरा से ही टीकते हैं, मतलब उनको पूजा अर्चना करते हैं, वही सिंदूर अपने मांग में हम भर लेते हैं। तो जो ही व्रती हैं उनको ये सभी नियम, जो छठ पूजा करती हैं उनको ये सभी नियम मालूम होंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा और इसी प्रकार से पूजा अर्चना अपना कर लीजिएगा, व्रत खोल लीजिएगा। और आगे आपके यहाँ थोड़ा सा अगर अलग नियम होगा, पोखरा में जाना पड़ता होगा, हम लोग तो आंगन में ही हमारे घर किया जाता है, आंगन में ही गड्ढा खोद के किया जाता है या पोखरा मिट्टी से छत पर बनाकर ही किया जाता है। और यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक और माताओं को लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। जय छठ मैया।